नमस्कार, अमरुजाला.com आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अल्पना। इस वक्त की पांच बड़ी खबरें, और ये पांच बड़ी खबरें वो हैं जो पूरे दिन भर सुर्खियां बटोरेंगी। इन पर तमाम अपडेट्स भी पूरे दिन भर अमरुजाला.com पर आप देख सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इन पांच बड़ी खबरों के बारे में, आपको हम जानकारी दे देते हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की साइक्लोन से जुड़ी हुई है, साइक्लोन निसर्ग। निसर्ग साइक्लोन महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाके, जो कोस्टल एरिया हैं, वहां पर ये टकराएगा। और आज की जो एक बड़ी खबर वो यही है कि चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग ने एहतियातन सारे जो जानकारी हैं वो प्रशासनिक अमले को दे दी हैं। सरकारी स्तर पर काफ़ी तैयारियां हो रही हैं इस निसर्ग तूफान से निपटने के लिए। तो आपको बता दें कि आज दोपहर तक, जो कि मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिली है, वो ये कि दोपहर तक तूफान निसर्ग करीबन 150 KMPH की स्पीड से दस्तक दे रहा है मुंबई में खासतौर से। और निसर्ग चक्रवाती तूफान अभी मुंबई के करीब 150 किलोमीटर दूरी पर है, और ये कहा जा रहा है कि जब ये मुंबई के तटीय इलाकों से टकराएगा तब 6 फीट ऊंची लहरें समंदर में उठ सकती हैं। तो इस बाबत एक महत्वपूर्ण खबर और इससे तमाम जुड़े पहलू आप अमरुजाला.com की वेबसाइट पर ले सकते हैं। तो आज मुंबई से टकरा सकता है तूफान निसर्ग। 129 साल बाद समुद्री तूफान का खतरा इस समय मंडरा रहा है मुंबई और आसपास के इलाकों में। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इससे पहले काफ़ी कुछ जो गतिविधियां हैं वो मौसम में देखी जा रही हैं मुंबई और आसपास के इलाकों में, पालघर हो या फिर अलीबाग और ठाणे, यहां पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है। तो ये एक संकेत हैं निसर्ग तूफान के मुंबई के तटीय इलाकों में से टकराने से पहले के। तो बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका जताई जा रही है और इसी बाबत एहतियातन शासन प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जो नुकसान हो वो कम हो और हर्जाना जो है वो कम भरना पड़े। तो ऐसे में जान माल की नुकसान को कम करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। तो ये एक बड़ी खबर, इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स आप अमरुजाला.com की वेबसाइट पर ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी खबर लेते हैं, भारत में कोरोना की क्या स्थिति है। तो जाहिर है भारत में कोरोना इस समय लगातार पैर पसार रहा है, तमाम कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक गंभीर विषय भी है क्योंकि मौतें भी हो रही हैं। तो ऐसे में गंभीर संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना अभी फिलहाल भारत में अपने पैर पसार ही रहा है। कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो करीबन 1,98,706 तक पहुंच गई है। तो जाहिर है कि ये बड़ा आंकड़ा है जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं उनको लेकर, और इसमें जो एक्टिव केस हैं वो 97,581 हैं। और देश भर में जो ये बताया जा रहा है कि ठीक भी हो रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनका इलाज किया जा रहा है, तो उसमें ठीक भी हुए हैं। और इन ठीक लोगों की जो संख्या बताई गई है अभी फिलहाल 95,527 है, जबकि 5,598 लोगों की जान चली गई है इस कोरोना वायरस के कारण। और इसमें एक और अपडेट हम आपको बता दें कि असम में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल हालांकि हर जगह बंद है, तो असम में भी खासतौर से ये आदेश दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इस दौरान राष्ट्रीय उद्यान हों, चिड़ियाघर हों, पर्यटन स्थल हों, तो वो बंद रहेंगे। और ऐसे में असम में खासतौर से, जैसे कि हम बता रहे हैं, असम में काफ़ी कुछ घटनाएं भी इस दौरान हो रही हैं मौसम के लिहाज से, चाहे वो भारी बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कई जगह जान माल का नुकसान भी काफ़ी हुआ है। और ऐसे में लॉकडाउन जिस तरीके से लगा है कोरोना वायरस के कारण, तो जाहिर है स्थिति काफ़ी गंभीर है असम जैसे पूर्वोत्तर राज्य में। और शायद यही वजह भी रही है कि लॉकडाउन के दौरान इन सब जो ये जो पर्यटन स्थल हैं, खासतौर से राष्ट्रीय उद्यान हैं, चिड़ियाघर हैं, तो ये सब बंद कर दिए गए हैं। अगली खबर हम लेते हैं दिल्ली नगर निगम से जुड़ी हुई, और ये खबर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस दिल्ली नगर निगम में अपने पैर पसार रहा है। करीबन 113 कर्मचारी हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जाहिर है कोरोना योद्धा इनको करार दिया जा रहा है। इस स्थिति में, इस भयावह स्थिति में जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, और काम करते करते कार्यक्षेत्र अपने कार्यक्षेत्र में ही 113 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 6 की मौत भी हुई है। सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है
और जाहिर है जो जंग इस समय कोरोना के खिलाफ चल रही है और उसमें अहम भूमिका अदा की जा रही है दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की तरफ से, और जाहिर है उत्तरी नगर निगम जो दिल्ली नगर निगम है, उत्तरी नगर निगम वहां पर ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। 78 कर्मचारी संक्रमित हुए हैं अभी तक और 2 कर्मचारी दम तोड़ चुके हैं। तो फिलहाल तो इसमें केवल जो कर्मचारी हैं वो शिक्षिका भी हैं, एक और एक कनिष्ठ अभियंता भी शामिल हैं। तो जाहिर है स्थिति काफ़ी गंभीर है दिल्ली के 3 नगर निगमों में, और लेकिन इतना होने के बावजूद भी कर्मचारी मैदान में डटे हुए हैं और 113 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं, उनका इलाज भी अब किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है सरकार से कि सरकार मदद दे ताकि जिस तरीके से कार्यक्षेत्र में वो उतरे हुए हैं काम के लिए, वो मैदान में डटे हुए हैं, तो उनको पूरी पूरी जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से उनको लैस किया जा सके ताकि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो उसकी तीव्रता थोड़ी कम हो, कम से कम इन नगर निगमों में। अगली खबर हम दिल्ली दंगे से जुड़ी हुई लेते हैं। जाहिर है दिल्ली दंगा आपको याद होगा, साल 2020 में फरवरी के महीने में जो दिल्ली दंगा भड़का था वो एक बहुत एक गंभीर मसला हो गया था दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर, और जो एक चांदबाग में दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि ये मामला गंभीर इसलिए हो जाता है कि आम आदमी के जो निलंबित पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है, और उनके ही नहीं उनके साथ कई और भाई समेत कुछ और लोग भी हैं जिनके खिलाफ ये आरोप पत्र दाखिल किया गया है। और ये बताया गया है कि पार्षद ताहिर ने करोड़ों खर्च किए हैं इस दंगे को करवाने के लिए, और एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आपको ध्यान आ रहा होगा कि एक घर की छत थी और घर की छत से ही जो दंगा भड़काने की पूरी साजिशें रची जा रही थी। तो ये चार्जशीट में चौंकाने वाला खुलासा है, और इस खुलासे को लेकर ही अब दिल्ली पुलिस जो है वो आगे बढ़ रही है। चार्जशीट दायर हो गई है और उसके बाद अब आने वाले दिनों में कड़कड़ुमा कोर्ट में इस केस पर भी आगे जो कार्रवाई है वो होनी है। आखिर में खबर हम यूपी बोर्ड की ले लेते हैं। तो यूपी बोर्ड के जो रिजल्ट हैं, रिजल्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। 27 जून को ये जो नतीजे हैं वो आएंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन का कॉपी जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन का काम जो है वो पूरा हो चुका है लगभग। तो हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 27 जून को नतीजे आएंगे, और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जो है वो पूरा हो गया है, और अब इंतज़ार जो था छात्रों का वो छात्र का इंतज़ार अब खत्म होगा 27 जून को ही। 27 जून को ही ये मालूम चलेगा कि किस तरह का रिजल्ट आता है यूपी बोर्ड का, और यूपी बोर्ड अपने आप में एक बड़ा बोर्ड है, और ऐसे में देखना होगा कि किस तरह के नतीजे यूपी बोर्ड में दिखते हैं, छात्र और छात्राओं के नतीजे किस तरीके के आते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएँ थी 15 कार्य दिवसों 6 मार्च को ही खत्म हुई थी, और यहाँ पर परीक्षा खत्म होने के बाद 16 मार्च से ही जो इवैल्यूएशन का काम था वो शुरू हो गया था। लेकिन कोविड-19 के जिस तरीके से केसेस हो रहे हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में बचाव के लिए जो इवैल्यूएशन का काम था वो स्थगित करना पड़ा था। लेकिन अब ये बड़ी खबर, जब 27 जून को दोनों ही क्लास के 10th और 12th के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं, इन 5 बड़ी खबरों पर अमरउजाला.com की नज़र है, और इनके अलावा भी तमाम और महत्वपूर्ण जानकारी हमारी वेबसाइट पर आप समय समय पर ले सकते हैं, और इनसे जुड़े तमाम पहलू आप समझ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर। तो फिलहाल मेरे साथ फेसबुक लाइव में इतना ही।